तो दोस्तों आज हम जानेंगे YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि न्यू YouTube चैनल तो खोल लेते हैं पर उसको वीडियो अपलोड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो आज हम जानेंगे YouTube पर वीडियो अपलोड किस तरह से करें ताकि अच्छा खासा व्यू भी आए और अच्छा खासा रनिंग भी पकड़े, उसके बाद व्यू वीडियोज़ पर रीच भी अच्छा खासा मिले। तो चलिए हम जानते हैं वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन करना होगा, तो हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। YouTube को हम जैसे ही ओपन किए हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अभी जैसे ही ओपन कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक लोगो लगा है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक लोगो है, इस पर क्लिक कर देते हैं। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हम उस पर क्लिक किए इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है और यहाँ पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है और यहाँ नीचे लाइव आने का ऑप्शन है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको करना है यहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपलोड, यहाँ पर ओ हमको यहाँ करना है लॉन्ग वीडियो अपलोड। तो हमको इस पर करना है बीच वाले पे क्लिक, तो बीच वाले पे हम क्लिक कर देंगे। बीच वाले पे हम जैसे क्लिक किए हैं इस तरह का इंटरफेस फिर से आ चुका है। आपका मोबाइल में जितना भी वीडियोस है उसको चुन लेना, आपको जो भी वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं उसको ले लेना है। तो हम इस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तो हम एक वीडियो पे क्लिक कर दें। वीडियो पे हम जैसे क्लिक किए हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं मेरा वीडियो आ चुका है। इस पर हम क्लिक कर दें, आगे बढ़े पर क्लिक कर दिए। आगे बढ़े पर हम जैसे क्लिक किए यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं उस पर हम जैसे क्लिक किए इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं, इसमें आप टाइटल भर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर टाइटल उटल कुछ भी नहीं भरना है, सबसे पहले आपको इस पे जाना है, यहाँ देख सकते हैं आपको इस पे जाना है। तो हम इस पे आ जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम इस पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको आपका इस पे किया होगा, यहाँ देख सकते हैं सार्वजनिक पे आपका किया होगा, तो आपको इस पे से हटा करके इस पे करना है बीच वाले पे। यहाँ देख सकते हैं आपको इस पे डाल देना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं इस तरह से, इस पे हम क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमको बैक जाना है, यहाँ तीर का आइकन है हमको इस पे क्लिक करना है, हमको बैक जाना है। यहाँ देख सकते हैं तीर का आइकन है हमको इस पे क्लिक करना है। तो हम तीर का आइकन पे क्लिक करके बैक चले जाते हैं, बैक आ चुके। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मेरा, यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर में कोने में देख सकते हैं आगे बढ़े का ऑप्शन है, आगे बढ़े का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन है, इन दोनों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। यहाँ देख सकते हैं नीचे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो अपलोड कर लिखा भाई है, इस पर आपको क्लिक कर देना यहाँ, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। वीडियो अपलोड पे हम जैसे क्लिक किए हैं मेरा वीडियो अपलोड होने लगा है, वीडियो अपलोड होने लगा। अब यहाँ से हमको बैक जाना है, तो यहाँ से हम बैक जाएंगे। अभी वहाँ से हम जैसे बैक जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं YT स्टूडियो है, आपको इस एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देख सकते हैं YT स्टूडियो, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा YT स्टूडियो, अगर आपका मोबाइल में नहीं है तो वहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं अपने चैनल से। तो हमको इसको ओपन करना है YT स्टूडियो को, तो YT स्टूडियो को हम ओपन कर लेते हैं। YT स्टूडियो को हम ओपन जैसे कि इस तरह इंटरफेस आ चुका है, इस तरह इंटरफेस आया और यहाँ देख सकते हैं मेरा कंटेंट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, कंटेंट का हमको इस पे जाना है। कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, कंटेंट पे हम जैसे क्लिक किए हैं और जो वीडियो अभी हम अपलोड में लगाए थे, यहाँ देख सकते हैं मेरा 22% अभी अपलोड हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं मेरा 22% अभी अपलोड हो चुका है, हमको इसी पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर हम जैसे क्लिक किए हैं इस तरह का फिर से इंटरफेस आ चुका है। इस पर इस तरह का इंटरफेस आपका मोबाइल में भी आ जाएगा, तो हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं एक पेल्सिन का आइकन है, तो हमको फिर से यहाँ पर जाना है। यहाँ देख सकते हैं एक पेल्सिन का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पेल्सिन का आइकन पर क्लिक कर देते हैं। पेल्सिन के आइकन पर हम जैसे क्लिक किए हैं यहाँ देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस फिर से आ चुका है, और हमको फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ अब यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल, अब जिस भी कैटेगरी का वीडियो बनाए हैं वो यहाँ पर भर देना है आपको टाइटल। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में 300 से लेकर 5000 तक आप वर्ड भर सकते हैं। जैसे आप फ़नी वीडियोस बनाते हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है न्यू फ़नी वीडियो 2024 का, टॉप फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, इस तरह से आपको 5000 तक टाइटल भरना होगा। जिस कैटेगरी का वीडियो बनाए हैं सिर्फ वही सब लिखना है आपको, 5000 नहीं तो 500 या तो 2000-3000 इतना आपको टाइटल भरना है, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। उसके बाद इसमें आपको हैशटैग भी लगाना है, उसके बाद ये सब भर देना है। उसके बाद हम यहाँ फिर बैक जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं
सार्वजनिक चुने का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं सार्वजनिक चुने का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं एक बार। उस पर हम जैसे क्लिक किए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ से चुन सकते हैं, यह वीडियो बच्चे के लिए है या बड़े के लिए। अगर आप यह वीडियो बच्चे के लिए बना रहे हैं यहाँ चुन सकते हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको बैक कर देना है, इस तरह से बैक कर देना है, कुछ भी नहीं देना है इसमें। और यहाँ देख सकते हैं सेव करने का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ और भी एक चीज़ जानकारी हम आपको दे देते हैं, अगर आप इसमें न्यू थंबनेल लगाना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन, अगर आप एक्स्ट्रा पहले से थंबनेल बनाकर रखे हुए हैं वो लगाना है, तो यहाँ देख सकते हैं पेंसिल का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर हम जैसे क्लिक किए यहाँ देख सकते हैं मेरा थंबनेल लगाने का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में पहले से थंबनेल बना हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और मेरा आ जाएगा। अगर आपका नहीं आएगा इस तरह का इंटरफेस तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, अपना मोबाइल नंबर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा थंबनेल लगाने का। तो यहाँ से आप अपना थंबनेल भी लगा सकते हैं, और जैसे थंबनेल आपका लग जाता है तो यहाँ देख सकते हैं सेव करने का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सेव करके भी दिखा देते हैं, इस तरह से सेव पे हम क्लिक किए हैं और यहाँ देख सकते हैं मेरा, पहले हम इसमें कुछ लिखे नहीं, कुछ भी लिख देते हैं, इस तरह से कुछ लिख दिए, उसके बाद सेव हम कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं मेरा सेव हो चुका है, इस तरह का आपसे आपका भी सेव हो जाएगा। तो अगर आपका इस तरह का सेव वीडियो अपलोड हो जाता है, इस तरह से सेव कर दीजिए, और आपके पास आपके घर में अगर 2 या 3 या 4 मोबाइल है तो वह चारों मोबाइल से आपको इस वीडियो को वॉच कर लेना, सर्च कर लेना उस चारों मोबाइल में, और इस वीडियो को 4 से 5 बार वॉच कर देना ताकि आपका वीडियो उसमें इंप्रेशन आ जाए। अगर आप 4-5 बार वॉच नहीं कीजिएगा तो आपका वीडियो उसमें इंप्रेशन नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका हर वीडियो वायरल होगा, 100% गारंटी है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।